ज़िंदगी में हम कुछ लोगों के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि हमें इनकी आदत होने लग जाती है। इनकी बातें सुनने की आदत या फिर इनकी हमदर्दी लेने की आदत। बिल्कुल तब ही हम इनसे उम्मीद लगाने बैठ जाते हैं और समझते हैं कि हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। पता क्या, उम्मीदें ही जब बाद में टूटती हैं और लहजे बर्फ होने लगते हैं तो हमें इनकी हमदर्दी लेने को और दिल चाहता है, इनकी बात सुनने को और दिल चाहता है और बंदा ये सोचता है कि इसमें मेरी कहाँ पे गलती थी। मगर बहुत देर हो चुकी होती है, ये आदत हमें बहुत बिगाड़ चुकी होती है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी की कहानी अपने दिल और दिमाग में लिखता है। ये कहानी लिखने वाली और सुनाने वाली वो आवाज़ होती है जो हमारे पैदा होने के साथ ही हमारे दिमाग में जन्म लेती है। हमें बुरे भले से रोकती है, हमें मुख्तलिफ बातें बताती है। इसी आवाज़ को हम बड़े होकर अपना आप समझते हैं, अपने मन की आवाज़ समझते हैं और अपनी रुचि सब्र कर लेते हैं। मगर यही आवाज़ इतनी जालिम होती है कि आपको इंसान नहीं रहने देती। इसी आवाज़ में यादों के कुछ पहलू और कुछ बातें रिपीट होती रहती हैं जो कि आपके लिए बाद में अजियत बनती हैं। हमारी ना एक बहुत ही बुरी आदत है, हम ज़िंदगी की वो कहानी जब दूसरों को सुनाने लगते हैं तो वो इस तरीके से सुनाते हैं जैसे हम बहुत ही मज़लूम हैं और हम पर जुल्म किया जा रहा है। शेक्सपियर ने क्या खूब कहा है, लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। अपनी ज़िंदगी कहानी इस तरीके से बताते हैं कि लोगों की हमदर्दियाँ ले सकें। ये जो लोगों की हमदर्दियाँ लेने वाली बात है ना, ये हमें दिन ब दिन कमज़ोर करते जाते हैं। और हम लोगों को अपनी कहानी इस तरीके से बताते हैं कि लोग समझें हम कितने ही मज़लूम और वो अपनी हमदर्दियाँ पेश करें। मगर इसके उलट होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप अपनी लाइफ स्टोरी को इस तरीके से लोगों को बताएं कि वो सबक हासिल करें, ना कि आप बरश करें, ना कि आपको हमदर्दियाँ दें, ना कि आपको दलासे दें। दर्द को इस्तेमाल में लाइए, दर्द बहुत ही ताकतवर चीज़ है। ये दर्द आपको कामयाब बना सकता है, ये दर्द जिंदगियां सवार सकता है। अपनी कहानी को इस तरीके से बयान करना बंद कीजिए कि लोग आपको हमदर्दियां दें। अपनी कहानी को इस तरीके से बयान करना शुरू कीजिए कि लोग आपसे सबक हासिल करें, लोग आपके नक्शे कदम पर चलें, लोग आपकी की हुई गलतियों को ना दोहराएं और आपको भी अपनी ज़िंदगी की गलतियों पर कोई अफसोस ना रहे। ज़िंदगी में हर कोई कहीं ना कहीं पे बहुत ही गमगीन होता है, मगर जब आप अपनी स्टोरी भी एक गमगीन लहजे में हमदर्दी लेने के लिए सुनाते हैं तो दूसरे बंदे के लिए भी उम्मीद की किरण ख़त्म हो जाती है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी को सबक आमोज बनाइए, दूसरों के लिए, खुद के लिए, और अपने आप को हर एक चीज़ का सेंटर ऑफ अटेंशन बनाना बंद कीजिए। अंधेरी रात में दूसरों के लिए चराग बनिए, तभी आपकी ज़िंदगी खुशगवार ज़िंदगी लगेगी।